विपक्षी परेशान हैं और साजिश के तहत जहरीली शराब जो है गरीब गुरुवाओं को पिलाया जा रहा है। सब लोग मर रहे हैं शराब पी के, इतनी घड़ी शराब बन रहा है, देखिए कि जहर डाल के शराब बन रहा है सब। कि जो विपक्ष के नेता हैं बीजेपी के, उन्हीं के समधी के घर से शराब मिलता है, तो आप कैसे सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं? दोषी तो आप खुद हैं। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, बिहार इंसोर्स देख रहे। देखिए, राजद कार्यालय के पास सभी महिलाएं झंडा लेके यहां पे मौजूद है और तेजस्वी यादव महागठबंधन नीतीश कुमार के जिंदाबाद के नारे कर रही है। बिहार में शराबबंदी है, कुछ का कहना विपक्ष की पार्टी जो है उनका कहना है कि बिहार में जो शराबबंदी है वो पूरी तरह से विफल है। वहीं सरकार बार बार कह रही है कि शराबबंदी जो है पूरी तरह से सफल है। तो ये लोग महिलाएँ यहाँ पर आई, उनसे बातचीत करते और जानते हैं किस बात के लिए आप लोग यहाँ पर एकजुट हुई है। हम लोग एकजुट इसलिए हुए हैं कि जिस तरह से विपक्षी लोग लगातार सरकार इतनी अच्छी तरीके से सरकार जो है चल रहा है, तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी का जो जोड़ी है वो बिहार में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, तो ये देखकर विपक्षी परेशान है और साजिश के तहत जहरीली शराब जो है गरीब गुरुवाओं को पिलाया जा रहा है। कौन पिला रहा है? वो साजिश के तहत अब उस पर जांच चल रही है ना, वो दोषी पकड़े जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो मतलब मरे हैं जिनके परिजन, तो उससे हम लोग बहुत मतलब कोई चिंता नहीं है। हम लोगों को काफ़ी चिंता है वैसे परिवारों को, जिनके परिवार से सदस्य गए हैं, तो इसलिए हम लोग जागरूक करने के लिए ये चेतना मार्च हम सभी महिलाओं ने आज सड़क पर आने का काम किया है, ताकि बिहार की जो महिलाएँ हैं, बिहार के जो जितने भी परिवार हैं, वो सब जागरूक हो और शराब का सेवन ना करें। शराब पूरी तरह से बंद है, तो देखिए एक तो है कि शराब बंदी है तो उसका आप सरकार का उल्लंघन कर रहे हैं, नियम है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप अगर सरकार को दोष दे रहे हैं, ये सरकार पूरी मतलब दोषी नहीं है। इस पर भी सरकार काम कर रही है कि कहाँ से शराब आया, शराब गरीब गुरुवा तक कैसे पहुँच रहा है, ये जहरीली शराब आया कहाँ से, इस पर भी जांच पड़ताल चल रहा है। जो भी दोषी हो, मैं बताइए, सरकार जब कह रही है कि बिहार में सरकार शराब जो है वो पूरी तरह से बैन है, ठीक है, फिर विपक्ष का ऐसा क्यों कहना होता है कि शराबबंदी जो है वो विफल हो गया है? नहीं, विफल नहीं हो, विफल तो वो है, अब उन्हीं से पूछिए ना कि जो विपक्ष के नेता हैं बीजेपी के, उन्हीं के समधी के घर से शराब मिलता है, तो आप कैसे सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं? दोषी तो आप खुद हैं, पहले आप अपना जाँच करवाइए ना, उसके बाद सरकार से जवाब तलब कीजिए। आप लोग यहाँ से निकले हैं, राजद कार्यालय से कहाँ तक जाना है? हम लोग वीर कुमार पटेल जो है वहाँ पे, हम लोग जो है दोनों पार्टियों के तरफ से गठबंधन जो है हम लोगों का वहाँ, उधर से लेसी सिंह रहेंगी हमारे महिला की जो नेत्री रहेंगी अनीता कुमारी जी, उनके नेतृत्व में हम सभी बिहार में एक चेतना मार्च हम लोग निकालने का काम कर रहे हैं, ताकि सभी बिहार की महिलाएं जागरूक हों और शराब ना पिए और ऐसे साजिशकर्ताओं के चक्कर में ना पड़े। तो देखिए यहाँ पे महिलाएं राजद कार्यालय के पास मौजूद है, यहाँ पे सभी हाथ में झंडा लिए महागठबंधन के नारे ये लोग बुलंद कर रही है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के ये जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। यहाँ से ये लोग निकल के राजद कार्यालय से निकल के वीर कुंवर सिंह पार्क तक जाने वाले हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए लोग निकलने वाले हैं। ये बताइए कि आपका क्या मानना है, शराबबंदी विफल है या सफल है? नहीं, बंद ठीक है, हम लोग हम लोग चाहते हैं कि एकदम शराब बंद हो जाए, हाँ इसीलिए हम लोग निकले हैं सड़क पे, क्योंकि जानते हैं देखिए हम लोग गरीब गुरबा आदमी जितना जो हैं सब लोग मर रहे हैं शराब पी के, इतनी घड़ी शराब बन रहा है, देखिए कि जहर डाल के शराब बन रहा है, सब चीज़ बन रहा है, और बड़ा बड़ा आदमी पी रहा है शराब, बढ़िया बढ़िया शराब पी रहा है, और गरीब लोग हैं कि पाउच पीते हैं अथी पी के उधर मर जा रहे हैं, लीवर खराब हो जा रहा है, देखिए किडनी खराब हो जा रहा है, इसीलिए सब लोग मर रहे हैं, इसीलिए हम लोग आज इस रोड पर उतरे हुए हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सभी महिलाएं यहाँ पे एकजुट होकर लोगों को जागरूक करने के लिए निकली है। राजद कार्यालय से ये लोग निकल के वीर कुंवर सिंह पार्क तक जाएंगे और जदयू की तरफ से लेसी सिंह रहेंगे, ये सारी महिलाएं एक साथ होकर जाएंगी, तो ये लोग लोगों को जागरूक करने के लिए निकले। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद।